कभी ड्रोन से बॉम्बिंग हो गई, कभी पायरेट्स ने अटैक कर दिया, कभी मार्कोस हमें बचाने आ रहे हैं, या फिर कभी हमारा ब्रिज से एक्सीडेंट हो गया। मर्च नेवी नाम तो सुना ही होगा, बट कभी आपने सोचा एक मर्च शिप चलता है कैसे है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। दिस इज द व्हील हाउस, इसे हम ब्रिज भी कहते हैं। शिप का नेविगेशन यहाँ से होता है। ये हमारे पास इंजन पैनल है। इंजन में कोई भी दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, हमें अलार्म यहाँ से आएगा। दिस इज द कंट्रोल फॉर इंजन। यहाँ से हम एयर डिस्टेंस देते हैं, मतलब आगे पीछे जब जाना हो। इसका रिले हमारे पास इंजन रूम में भी है। ये है स्टीयरिंग, चलाने के लिए एक स्पेशल आदमी यहाँ पे होता है। हम ऑर्डर देते हैं और डेक ऑफिसर या फिर कैप्टन, बट यहाँ पे कंट्रोल है। एक्चुअल मशीनरी कहाँ पे? दिस इज ECR, इंजन कंट्रोल रूम। सो यहाँ पर आप देखो काफी ब्रेकर्स हैं, गेजेस हैं। सो शिप पे जितनी मशीनरी, लाइटनिंग, पंप्स वगैरह चलते हैं वो यहीं से चलते हैं। इंजीनियर्स पे डिवाइडेड है कि किसकी मशीनरी किसके अंडर आती है, कब उसका मेंटेनेंस करना है, रिन्यूअल है, स्पेयर पार्ट कब चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज द टेंपर ऑफ द इंजीनियर्स, यहीं पे सारे कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पर आप देखो जो ब्रिज पे टेलीग्राफ था वो यहाँ पर भी है। जो भी हम ऑर्डर देते हैं आई डस्टर्न, सो वो यहाँ पे रिले होता है। ये हमारे शिप का मेन इंजन है। ये हमारा जहाज छोटा है तो इंजन बहुत छोटा है, बड़े शिप में और बड़ा इंजन होता है। इसके अलावा हमारे पास तीन जनरेटर्स हैं। एक दो ये जनरेटर्स हैं जिनसे सब बाकी मशीनरी चलती है। अभी हमारा शिप रुका हुआ है इसलिए इंजन की आवाज़ नहीं है, सिर्फ ये जनरेटर की आवाज़ है, वरना बहुत शोर होता है और बहुत काम रहता है। दिस इज आवर शिप्स इमरजेंसी जनरेटर रूम। सो स्पेशली एक इमरजेंसी जनरेटर है, जो जनरेटर मैंने आपको तीन दिखा है, अगर वो सब बंद हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैकआउट मतलब कि लाइट्स वगैरह सब बंद, कोई कंट्रोल नहीं शिप पे, तो ये ऑटोमेटिकली पावर पे आ जाता है। बट अगर ऑटोमेटिकली ना आ पाए तो हम यहाँ से इसको क्रैंक करके इसको पावर में लेके आते हैं। बट कई बार इतना टाइम नहीं होता, जैसे आप देखा कि ऑलरेडी डेंजर में हेड कर रहा है, इतना टाइम होगा कि आप आके इसको पावर में लोगे और फिर मशीनरी फिर से रन करेगी और आप बचा लोगे सिचुएशन? इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया दैट वाज ओनली रिलेटेड टू नेविगेशन एंड द मशीनरी पार्ट, बट जो मेन काम हमारा एक जगह से दूसरी जगह कार्गो लेके जाना उसके बारे में बात की नहीं है। उसके अलावा हमारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, मेंटल हमारा कैसे चल रहा है, हमारे शिप पे खाना अच्छा है कि नहीं, लोग अच्छे हैं कि नहीं, घर से इतना दूर रह रहे हैं, काम का प्रेशर है, रेस्ट आज मिल रही है कि नहीं, मौसम कैसा है, जहाज हिल रहा है, तूफान आ रहा है, इसके बारे में कौन बात करेगा। तो अभी जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं मुझे रिलेटेड, आप प्लीज़ स्टडी करके कुछ कमेंट कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, बिकॉज ये लाइफ बहुत फैंसी है। जो मर्च नेवी सुनते हैं बस पैसा ही दिमाग में आता है, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, शिपिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़िया कि यू कांट इवन इमेजिन। सो जस्ट बी पोलाइट टू सी फेयरर्स। थैंक यू सो मच।